कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एग्जाम्पल, यही पढ़ा था टाइनी कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैंने आपको, रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आयनिक कंपाउंड होते क्या है? आयनिक कंपाउंड बनने के लिए हमारे पास आयन फॉर्मेशन होना चाहिए। आयन फॉर्मेशन कैसे होगा कि एक डोनर आइटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो हमने बोला था जनरली जो डोनर आइटम होता है वो मेटल होता है और जो एक्सेप्टर आइटम होता है वो नॉन मेटल होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था। हमने बोला था कि जो डोनर आइटम होगा, जो मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा और एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगा, दिस इज कॉल्ड केटायन। और जो नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, इस जो रिमूव किया है इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट करेगा और ये हमारे पास में क्या बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बना लेगा। नॉन मेटल को हम एन से लिख देते हैं, एक नेगेटिव आयन बना लेगा, क्या बना लेगा, नेगेटिव आयन बना लेगा और इसे हम बोलेंगे एन आयन, ठीक है। और दोनों के बीच में फिर अट्रैक्शन होगा तो एम प्लस और एन माइनस में अट्रैक्शन होगा तो हमारे पास में एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा एम एन, ठीक है। ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड है। समझ में आता है, आयनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया था। तो हमने बोला था सबसे पहले हमने बात करी थी स्टेट, स्टेट कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होते हैं हमेशा, कैसे होंगे, ऑलवेज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट ज़्यादातर। फिर हमने बात करी थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मैंने बोला था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से या मोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी हार्डनेस की, आई थिंक है ना, हार्डनेस की बात करी थी। तो हार्डनेस में भी हमने बोला था कि जो हार्डनेस होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, समझ में आता है। फिर हमने बात करी थी कि कंडक्टिविटी की, तो हमने बोला था कि जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट में जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तब तो ये क्या करते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं। बट जब भी ये मोल्टन स्टेट में होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे या फिर मैं बोलूं कि एक्वस स्टेट में होंगे तो ये हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, ये हमने बात करी थी। फिर हमने लास्ट सेकंड लास्ट उसमें बात करी थी, वो शायद हमने करी थी लैटिस एनर्जी, है ना, लैटिस एनर्जी की बात करी थी। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैटिस क्या होता है। तो हमने बोला था कि लैटिस इज अ, मतलब इफ हमने बोला था कि लैटिस एनर्जी सम ना सम मामिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन And one mole of lattice is formed by its constituent ions. कि किसी भी constituent ion से जो भी ionic compound formation हो रहा है उसका जो lattice बनता है तो बनने पर जो energy release हो रही है that energy is called lattice energy. क्या हमने इतना ही पढ़ा था? उसके बाद में हमने बोला था कि जो lattice energy होती है वो दो चीज़ों पर depend करती है, एक चीज़ पर करती है charge on ion पर, charge on ions पर, और दूसरी चीज़ थी size of ion या फिर मैं बोल दूं रेडियस ऑफ आयन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। मैंने बोला था कि चार्ज जो होती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था दैट एफ इज इक्वल्स टू क्यू या प्रोपोर्शनल टू क्यू प्लस और क्यू माइनस और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है, देयर आर इज द रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन ये लिखवाया था। इन दोनों को कोलोबरेट कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ना इक्वेट करो तो एफ और एफ बराबर है, तो एफ इज इक्वल टू, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू प्लस क्यू माइनस अपॉन आर स्क्वायर, इसको कोलोबरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि एफ देखो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों बराबर ही तो है, फोर्स फोर्स, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को इक्वेट करते हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, समझ में आता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है वन अपॉन फोर एप्सिलॉन्स फोर पाई एप्सिलॉन्स नॉट, ये एक कांस्टेंट आता है, दिस इज दीज आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट टर्म्स, पाई इज 3.14 और 22/7, ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टेंट टर्म आती है। एप्सिलॉन्स में यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है और ये मैटर पर डिपेंड करते हैं, जो हमने मैटर सब्सटेंस किया है उसकी नेचर होती है, उसकी नेचर पर डिपेंड करती है, तो यह बाद में पढ़ेंगे कभी भी, और यहाँ तक हमें जाना नहीं है पर आप
बोलते हैं तो मैं लिखवा देती हूँ, तो यहाँ तक आपको जाना नहीं है, अभी तो नहीं जाना है, ट्वेल्थ में आपको वापस पढ़ाएंगे तब वापस से इस पर कंसिडर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है ये एक्चुअली, किसका पार्ट है? फिजिक्स का। और जब पढ़ाना होगा चार्ज वाला जो चैप्टर है वो आपके फिजिक्स में ही आएगा, ठीक है? वहाँ पर आपको सर ये सारी चीज़ें बताएंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने कल पढ़ा था और फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन शायद एक ही क्वेश्चन किया था, दो करे थे हमने क्वेश्चन करे थे, अब हम लिखेंगे इसके अंदर, दो क्वेश्चन कर लिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी क्वेश्चंस में? बताएं मुझे लास्ट वाले में, लास्ट वाले में क्या दिक्कत थी, क्या किया था लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ मेरे को, एक्चुअली मैंने तो क्या अपने हिसाब से कराया था ना, इसमें नहीं है वो। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई थी आपको, उसकी बात करते हैं। अच्छा, ब्रेक करना आता है मॉलिक्यूल्स को? आता है ना, कैसे ब्रेक होते हैं? अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी। देखो हमने लिया था NaCl लिया था, एक हमने लिया था MgCl2, एक हमने लिया था AlCl3, ये लिया था। हाँ, चार्ज बढ़ रहे हैं, तो कैसे देखो NaCl में कैसे Na+ और Cl- बना, यहाँ पर देखो क्या हो गया था, Mg+2 था और 2Cl-, क्योंकि Cl हमेशा नेगेटिव में रहेगा, वन चार्ज में रहता है, ठीक है? फिर हमने बोला AlCl3 है, तो हमने बोला Al+3 है प्लस 3Cl- है, तो वो तोड़ने के कैसे हो गए वो देखते हैं अपन इसको। देखो कैसे AlCl3 को देखो, यहाँ पर Al कितना, एक नीचे लिख लो चार्ज करा, और Cl कितने हैं, तीन। अब ये क्या है, चार्ज है, इनको आपको ये नहीं देखना कि ये एटम्स हैं, ये क्या है, चार्ज है। आपको क्या करना है कि इसको तोड़ोगे तो Al लिख लो प्लस Cl लिख लो, एज इट इज लिख लो, चार्ज मत लगाओ, पहले क्या लिखो, Al लिखो, Cl लिखो, और Cl कितने हैं, तीन है, तीन लिखो आपके, जितने भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी ना उसको कहाँ लिख लो, यहाँ पर लिख लो, समझ में आता है? अब देखो यहाँ पर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएंगे, चार्ज। Cl पर कितना चार्ज आना चाहिए, एक चार्ज आना चाहिए माइनस का, आपको पता है ना Cl माइनस ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव आएगा। क्लोरीन की एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज आना चाहिए, प्लस का चाहिए, समझ में आता है? ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो कोई भी मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को करूँ, तो देखो ऑक्साइड जो होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में पाया जाता है, -2 के फॉर्म में पाया जाएगा, किसके फॉर्म में, -2। क्यों होती है -2, क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एग्जैक्टली ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो उसको हम वहाँ पढ़ेंगे, कंसिडर करेंगे। पर जैसे ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा था, तो हमने बोला इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, दो, इसको भी कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, दो, तो दो का मतलब हो गया इसके ऊपर वैलेंसी कितने हो गए, कितने हो गए, दो। अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव, समझ में आता है? ऑक्सीजन कैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए चार्ज कौन सा आएगा, -2। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, अब आप बोलोगे कि मैडम ये वाला फॉर्मूला तो इस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो देखो कुछ फॉर्मूले होंगे जो कुछ कंपाउंड्स पर एप्लीकेबल होंगे और कुछ पर नहीं होंगे। मैंने पहले ही कह दिया था कि इनऑर्गेनिक में कुछ चीज़ों पर कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं और कुछ पर नहीं होती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होंगे, हमेशा प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर अगर एप्लीकेबल नहीं होगा आप तो बोलोगे मैम ये भी एक ही आइटम है और ये भी एक ही आइटम है, है ना, ऐसे ही बोलोगे, हाँ और ऑक्साइड्स में दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो दोनों इक्वल चार्ज हो गए, कट जाएंगे, रिमेंबर हो गया, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाता है, समझ में आता है? ऐसे हमें करना है, तो ये हो गया। अब देखो हमने इसको तोड़ लिया, हमने बोला था, अब आप यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला था, अगर नहीं बोला है तो अभी सुन लो कि हमें दो चीज़ों पर कंसिडर करना है। पहले तो आप देखो इसमें सिमिलैरिटी कौन कौन सी है, तो मैं बोलती हूँ कि जो एनायन है वो क्या है, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इसे तो हमें देखना ही नहीं है। अब हमने बोला जो केटायन है वो कैसे है, अनसिमिलर, अनसिमिलर है, इस पर कंसिडर करना है। अब अनसिमिलर भी क्या है, देखो ना तो ग्रुप के हैं, ग्रुप के तो है ही नहीं, ये तो कहीं से भी उठा के पूरी पीरियोडिक टेबल में हमने कहीं से भी उठा कर ले लिया, तो कैसे करेंगे? तो देखो चार्ज तो डिफरेंट है ना, देखो क्या चार्ज डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, चार्ज क्या है, डिफरेंट, ऑन
चीजें अप्लाई हुई है, मेरे को पता है कि मैं अगर लैटिस एनर्जी को डिफाइन करती हूँ तो जो लैटिस एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और जो लैटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस। यही होता है ना। तो अब ये वाला जब चार्ज डिफरेंस हुआ तो अब आप क्या करो कि देखो चार्ज को ही देखो, साइज को देखो ही मत। मैंने क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसी एक चीज पर कंसिडर करेंगे, दो चीजों को कंसेप्ट को एक साथ लेके चलोगे तो हमेशा क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, चाहे तो चार्ज को ले लो चाहे साइंस को ले लो। देखो मैं दोनों से सॉल्व करके बताती हूँ आपको, एक ही तरीके का आंसर आएगा। मैं बोलती हूँ चार्ज को ले लेते हैं, चार्ज देखो ऊपर से नीचे आने पर चार्ज बढ़ रहा है, मैंने जो रिएक्शन देखी उसमें यहाँ से यहाँ तक आने पर चार्ज बढ़ रहा है। तो मैंने बोला एल्यूमिनियम की जो लैटिस एनर्जी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में मेरे पास में मैग्नीशियम प्लस हो जाएगी, और उसके बाद में मेरे पास में सोडियम प्लस की लैटिस एनर्जी होगी। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी का कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग। जब भी आए तो याद रखना है पहले सबसे ज्यादा वाली लिखेंगे फिर सबसे कम वाली लिखेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मैंने बोला कि साइज के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, किसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, साइज के अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो देखो साइज के अकॉर्डिंगली भी सेम आएगा, कैसे, मैंने बोला जिस पर जिसपे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उस पर प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या होगी, न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे मैंने बोला एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का साइज को बड़ा है ना, पर देखो साइज को बड़ा है पर क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो जो इसका जो न्यूक्लियस है उस पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो जो शेल्स होंगे आउटर मोस्ट शेल वो क्या होंगे, अंदर की तरफ अट्रैक्शन फोर्स क्या करेंगे, फील करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे तो क्या साइज श्रिंक होगा, बिल्कुल होगा, साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक। तो देखो इसका श्रिंक क्योंकि इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकले, फिर इसमें से दो निकले और इसमें से एक निकले, तो सबसे छोटा साइज किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। अगर सबसे छोटा साइज एल्यूमिनियम का तो लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी, एल्यूमिनियम की, तो देखो वही ऑर्डर आएगा और भी ले सकते हैं हम इसमें एग्जाम्पल, ठीक है।
तो दिस इज फॉर यूनिवेलेंट एग्जाम्पल। यूनिवेलेंट कैसे, जब मैं इसे ब्रेक करूंगी तो एक ही पॉजिटिव आएगा एक ही नेगेटिव आएगा। यहाँ पर देखो तो अब ये क्या होगा, यूनि यूनि क्या कहलाएगा, शॉर्टकट बोल दिया यूनि यूनि। यहाँ पर देखो के सी एल को तोड़ूंगी के प्लस आएगा और सी एल माइनस आएगा, दिस इज कॉल्ड यूनि यूनि, यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट। समझ में आता है? व्हाट इज डाइवेलेंट, बैलेंस का मतलब, बैलेंस का मतलब क्या होगा, वैलेंसी। अब वैलेंसी देखो किससे आती है, इलेक्ट्रॉन से। वैलेंसी किससे होगी, इलेक्ट्रॉन से, या तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी। आता है ना समझ में, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। एफिशिएंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही तो करना है, समझ में आता है। सेम यहाँ पर वैलेंसी का मतलब तो यही रहेगा। अब डाई का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई का मतलब होता है दो, टू, है ना। बायवेलेंट बोल दो या डायवेलेंट बोल दो, बात एक ही होता है ना, बाय और डाय एक ही बात होता है। तो डायवेलेंट का मतलब होता है या तो टू पॉजिटिव चार्ज होंगे और या फिर टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, सही है। और ट्राइवेलेंट में क्या हो जाएगा, या तो थ्री पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे या फिर थ्री नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट। और वैलेंट का मतलब सेम ही रहेगा, वैलेंट का मतलब होगा या तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। देखो ट्राइवेलेंट होगा तो तीन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहाँ पर बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, समझ में आता है। तो ये हमारे पास में डायवेलेंट और ट्राइवेलेंट हो गया। तो हम ऐसे बोलते हैं कि अगर मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कैसा करना हो, जैसे जो मैंने इसमें तरीका बताया, अगर उससे सॉल्व ना करके अगर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना हो, और डायरेक्ट क्वेश्चन कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप 50 से 60 क्वेश्चन इसके मेरी तरीके से कर लो, जो मैंने तरीका आपको बताया, अगर उस तरीके से अगर आप क्या कर लोगे 50 से 60 में, मतलब कि 20 क्वेश्चन में अगर आपने अपने दिमाग से सॉल्व किए तो आपको आराम से देख कर ही पता चल जाएगा, इससे ज़्यादा कंपाउंड ही नहीं होते। क्या देगा इनऑर्गेनिक में, कितने कंपाउंड दे देगा, जितने हैं उतने ही देगा, 50 से ज़्यादा तो क्या दे देगा, और घूम फिर के वही एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास में। तो अगर हम 50 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम देखकर पता कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड होगा वो ट्राइवेलेंट होगा या बायवेलेंट होगा, समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बायवेलेंट का समझो एग्जाम्पल, बायवेलेंट के एग्जाम्पल में देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो जब भी मैं तोड़ूंगी तो Mg+2 और Oxygen-2, समझ में आता है। दिस इज कॉल्ड बाय और बाय, दोनों बाय बाय है ना। दूसरा देखो ट्राइवेलेंट में हम ले सकते हैं जनरली AlCl3 लेते हैं, तो Al में सिर्फ यहाँ पर अभी ये वाला जो होगा ना पार्ट, ये ट्राइवेलेंट है। क्लोरीन तो अभी भी क्या है, यूनिवेलेंट है। क्लोरीन अभी भी क्या है यहाँ पे, यूनिवेलेंट है। दिस इज ट्राई और दिस इज यूनि, ठीक है। इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं, अभी हमने लिखने के लिए लिख दिया, अभी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए MgCl2, इसको देखो MgCl2 को ब्रेक करेंगे तो Mg पर प्लस 2 और 2 Cl पर माइनस नेगेटिव, ये किसका एग्जांपल होगा, दिस इज कॉल्ड बाय और दिस इज कॉल्ड यूनि, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक समझ में आता है, कन्फर्म। अब देखो उसने बोला है कि लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो उसने बोला कि जो बायवेलेंट बायवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी वैलेंसी क्या होगी, दोनों की दो दो होगी, पॉजिटिव भी दो नेगेटिव भी दो, उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, समझ में आता है। ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी पता, जो लाइन छुड़वाई है ना मैंने उसमें लिखना है आपको, है ना। उसने उसके बाद में बोला कि या तो कैटायन बायवेलेंट हो और एनायन यूनिवेलेंट हो, या फिर और है ना, जो कैटायन है वो यूनि हो और जो एनायन है वो क्या हो, बायो हो जाए। ये कंडीशन होना थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है, ये कंडीशन होना थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि देखो यूनिवेलेंट कैटायन के साथ में यूनिवेलेंट एनायन जुड़ेगा। क्या कभी ऐसा संभव होगा या पॉसिबिलिटी होगी कि यूनिवेलेंट कैटायन के साथ में डायवेलेंट एनायन जुड़ जाए, पॉसिबिलिटी कम होगी। तो ये वाली कंडीशन कम होगी, पर हमने वाइस वर्सा कंडीशन दोनों रखी है। हो सकता है कि बोले 50 मॉलिक्यूल्स में से 70 मॉलिक्यूल्स में से कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जो यूनिकेटायन और बायवेलेंट एनायन शो करता हो,
होता होगा ना, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। देखो मैं पहले ही बोल रही हूँ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा क्योंकि इनऑर्गेनिक का चैप्टर है ना। तो या तो बायवेलेंट केटायन हो और यूनिवेलेंट एनायन हो, या फिर यूनिवेलेंट केटायन हो और बायवेलेंट एनायन हो, उसकी एनर्जी हमेशा इससे कम होगी। और जो यूनिवेलेंट यूनिवेलेंट होंगे उनकी एनर्जी लैटिस एनर्जी हमेशा ही कम होगी। आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हम यहाँ देखो इन सब की सबसे कम एनर्जी होगी लैटिस की, फिर इसकी सबसे और इसकी सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इंटर बिटवीन हो जाएगी एनर्जी। मैं बोलती हूँ अगर इसकी एनर्जी 100 किलो जूल है लैटिस एनर्जी, और इसकी कितनी हो जाएगी? मैं बोल रही हूँ 20 किलो जूल है, तो 100 और 20 के बीच में जो भी वैल्यू आती होगी वो इसकी हो जाएगी। मैं बोल रही हूँ कि होपफुली इसकी वैल्यू हो जाए 55 किलो जूल। समझ में आता है? कितनी हो जाए? 55 किलो जूल। आता है क्या समझ में? दिस इज द ऑर्डर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है हमारे पास में। क्या करने के लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए। कॉपी कीजिए ट्राइवेलेंट में। अब देखो ट्राइवेलेंट आते ही तो वैसे ही बढ़ जाएगी ना एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना एल्यूमिनियम की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, तो फिर वो इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी है ना, वो फिर हम मेरे मेथड से निकालनी पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। जनरली डायरेक्ट हमारे पास में ये तीन ही कॉन्सेप्ट होते हैं। लास्ट टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी।
हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। If water is used as a solvent, then it is called hydration energy. सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है कि जब भी मैं किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालूंगी तो जो सॉल्यूट होगा वो डिजॉल्व होगा इसके अंदर, है ना, वो एनर्जी क्या कहलाती है, सॉल्वेशन एनर्जी कहलाती है। क्योंकि जब डिजॉल्व करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो रिलीज एनर्जी होती है, ये भी एक तरीके की कैसी एनर्जी होती है, रिलीज एनर्जी होती है, बाहर निकलती है। अगर सॉल्वेंट की जगह मैंने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया तो हम बोलते हैं कि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मैक्सिमम चीजें इसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, मैक्सिमम केमिकल्स आर सॉल्यूट बाय द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिजॉल्व हो जाती हैं, बहुत कम चीज़ें होंगी जो इसमें डिजॉल्व नहीं होती होंगी, बहुत कम चीज़ें, ठीक है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूट को डिजॉल्व करूँ तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी, क्योंकि H2 को जनरली हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो जनरली हाइड्रा होता है, तो इसी के नाम पर हमने इसको क्या बोल दिया, हाइड्रेशन एनर्जी बोल दिया, ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी कैसे डिजॉल्व होता होगा या कोई भी मॉलिक्यूल कैसे डिजॉल्व होता है, तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 100, 150, 200, 250, कुछ भी नंबर हो सकता है, उसको लिया और उसके अंदर मैंने NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, या मैंने बोला मैंने शुगर डाल दिया। शुगर इसका अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा क्योंकि शुगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर का मतलब होता है आयनिक बॉन्ड नहीं होता उसके बीच में, हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड ले लेते हैं, कोई भी एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, तो Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस और इसके चारों तरफ क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। तो मैं बोलती हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होगा ऐसे H2 मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल यहाँ हो जाएंगे, प्लस Cl माइनस होगा, इसके भी चारों तरफ क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि एक तो पानी में डिजॉल्व करते ही दोनों अपने आयन्स में टूट जाएंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में टूट जाएंगे, जो पॉजिटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद में जो वाटर मॉलिक्यूल है इनके चारों तरफ क्या बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नाम होते हैं चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब ज्वाइन हो जाएंगे तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये सॉल्यूट कैसे हुए होंगे उसकी बात करते हैं। तो मैंने बोला क्योंकि वाटर भी यहाँ पर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ पर ये क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का मतलब समझ में आता है हमें, सॉल्वेंट का मतलब तो समझ में आता होगा, पोलर का मतलब क्या होता है, जिसमें चार्ज जनरेट होता है। क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है। चार्ज कैसे जनरेट होगा, तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हाइड्रोजन क्या है मोस्ट इलेक्ट्रो
पॉजिटिव आया है, एस ब्लॉक के ऊपर आता है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हो गया और ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम हो गया। और ये क्या करेगा, ये अपने पास में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इन दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। आएगा क्या आएगा, तो देखो पोलर जनरेट हो गए, पोल्स हो गए ना, एक नेगेटिव पोल हो गया, एक पॉजिटिव पोल हो गया। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव पोल आया तो ये पहले पानी में जाते ही सबसे पहले सोडियम टूटा, सोडियम पॉजिटिव आयन में बदला, सोडियम किस में बदल गया, पॉजिटिव आयन में बदल गया। पॉजिटिव आयन में बदलते वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ हो गए, कैसे, ऐसे। सॉरी अभी बताते हैं, ये नेगेटिव 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 और ये हाइड्रोजन 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 सब पे हाइड्रोजन प्रॉपर्टी। तो क्योंकि सोडियम खुद कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के कौन से पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट, पॉजिटिव को कैसे करेगा, नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो उसने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल का जो पोलर पार्ट था उसमें जो नेगेटिव पार्ट था उसने उसको अपने चारों तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करते यहाँ पर देखो एक शील्ड बन गई, क्या बन गई, शील्ड बन गई, समझ में आता है। और जितना ज्यादा मॉलिक्यूल, मैंने आपको बोला था कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे वो इसी तरीके से अट्रैक्ट होंगे और लेयर पे लेयर फॉर्मेशन कर, जब तक सोडियम का अट्रैक्शन होगा तब तक लेयर फॉर्मेशन होगी, समझ में आता है। वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर, और मैं इसको हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, ये मैं सिर्फ ऐसे ही बना रहा हूँ, आप समझ जाना कि यहाँ पर हाइड्रोजन पुट है। वन लेयर टू लेयर, जितना भी सोडियम का अट्रैक्शन होगा जितने भी दूर तक ये इसको अट्रैक्ट कर सकता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, एक तरीके से सोडियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने कल बता दिया था, यूनिवर्सल ट्रुथ भी बताया था आपको, जब भी बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी बॉन्ड तोड़ने होंगे एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम तोड़े ना रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, बन रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अपने आप तोड़ थोड़ी ना रहे हैं इनको। तो ये हो गया हमारे पास, ऐसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या, अगर क्लोरीन आयन होगा तो क्या होगा, क्लोरीन आयन होगा। अब क्लोरीन किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, क्या मुझे समझ में आता है क्या, पहले एक लेयर फॉर्मेशन हुई फिर ऐसी दूसरी लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, समझ में आता है। तो आप देखोगे कि जब वाटर मॉलिक्यूल में हम NaCl क्यों हो जाता है, नमक आप जब चम्मच से घोलते हो पानी के अंदर तो क्यों डिसॉल्व हो जाता है, आपको दिखाई देता है क्या, एक क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, नमक थोड़ी ना दिखता है हमें, ना तो नीचे तली पे बैठा हुआ दिखता है, दिखता नहीं है। हम जब उसको मिक्स करते हैं तो आपको देखने के बाद में मिलेगा, अगर एक नमक का ग्लास हो पानी का और एक सिंगल नॉर्मल पानी का ग्लास हो तो आप जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि एक नॉर्मल पानी है और एक सॉल्टेड वाटर है, ऐसे ही करोगे ना, उसके अलावा तो नहीं देख सकते। इसका मतलब नमक इतना इतने अच्छे तरीके से कैसे डिसॉल्व हो जाता है, तो डिसॉल्व कैसे होता है, क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि जब भी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होगा उसके चारों तरफ वाटर के अपोजिटली चार्ज आयन क्या बन रहे हैं, चारों तरफ इकट्ठे होते जाएंगे, एक लेयर फॉर्मेशन करते जाएंगे, जितनी बड़ी वो लेयर होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आ रहा है। जितनी बड़ी वो होगी उतनी बड़ी हमारे पास में क्या हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। आता है समझ में, उतारो फटाफट उतारो और इन पर चार्ज लगा लेना है, ठीक है। एक पर तो लगाना लेयर पे, ये दिस इज द सिंगल लेयर, फर्स्ट लेयर, फिर ये सेकंड लेयर, ऐसे यहाँ पर भी बनाइएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ताकि आपको बाद में पार्शियल पॉजिटिव लगा लीजिएगा इन सब पे प्लीज, है ना। पार्शियल ही होता है, कंप्लीटली नहीं होता, मैंने उस दिन बता दिया था, कंप्लीट ट्रांसफर कब होता है, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड लेयर में बस आप ऐसे बना लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं।
हाइड्रेशन एनर्जी से मिलना आती है। अच्छा समझते हैं ना, उतना हम जनरल नहीं समझ पाते। समझ पे आ रहे हैं ना डायग्राम? अब घर पे बैठ के आराम से हर लेयर पे हर जो सेकंड लेयर है ना उस पे हाइड्रोजन जोड़ना और उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाना और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में नेगेटिव चार्ज लगा देना, ठीक है? Mm-hmm.
बात करते हैं लेकिन साइज पर कैसे डिपेंड करेगी फिर चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगी। अच्छा एक एग्जाम्पल, हाँ डिपेंड बोलो फिर से। हाँ लेटेस्ट एनर्जी की तरह ही करेगी पर इसका जो रीजन या समझने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा सा। लेटेस्ट एनर्जी का डिफरेंट था, इसका थोड़ा सा डिफरेंट था। पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। उतार लिया आप लोगों ने, कॉपी किया। देखो आप एक मुझे एक बात बताओ कि चूहे को भीड़ में छुपाना ज़्यादा आसान है या हिप्पो को भीड़ में छुपाना ज़्यादा आसान है? आई थिंक चूहे को, क्योंकि हिप्पो तो खुद ही इतना बड़ा होगा कि लोग उसके आसपास घेरा भी बनाएंगे ना, तो ऊपर से वो दिखेगा कि इतना स्पेस खाली है ना। और चूहा जो होगा वो पैरों में से निकल निकल के भी जाएगा ना, तो भी हम उस भीड़ में हमको उसको अपन पकड़ नहीं सकते या हम उसको छुपा सकते। तो मैंने आपको बोला कि चूहे को छुपाना भीड़ में ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू हिप्पो को, है ना। हिप्पो को हमें क्योंकि इसका साइज ही ऑलरेडी इतना बड़ा है ना। तो अब देखो क्या होगा कि जितना ज़्यादा छोटा आयन होगा और भीड़ क्या हो गई H2O मॉलिक्यूल, भीड़ क्या हो गई H2O मॉलिक्यूल, तो जितना छोटा हमारे पास में आयन होगा, चाहे हम जैसे हमने बोला पॉजिटिव आयन की बात करी हमने, तो जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा उतना ही आप देखेंगे हाइड्रोजन जो H2O मॉलिक्यूल होंगे वो उतने ज़्यादा क्या बनाएंगे लेयर फॉर्मेशन करेंगे करेंगे ना। और मैंने बोला जितनी ज़्यादा लेयर फॉर्मेशन होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब मैंने बोला कि एक आयन मैंने लिया जिसका आयन साइज बड़ा है, दिस इज कॉल्ड हिप्पो, दिस इज कॉल्ड रैट, ठीक है। क्या है? रैट माउस। अब देखो हिप्पो के चारों तरफ कितने भी मॉलिक्यूल लगा लो ना, तो क्या उस हिसाब से लेयर फॉर्मेशन हो पाएगा जितना इसके चारों तरफ होगा? मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा। क्या बताओ? देखो आपको तब भी ऐसा लगेगा कि ये खाली है, लग रहा है ना स्पेस बीच में, दिखेगी दूर से दिखेगी। इसमें देख पा रहे हो क्या? अगर मैं इन सब पर नेगेटिव चार्ज लगा दूँ तो आप कंपेयर भी नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव कहाँ छुपा हुआ, नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना साइज बढ़ा हाइड्रेशन, अब लेयर कम बनेगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कंसेप्ट समझ में आता है? हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ देखो चार्ज पर, चार्ज जितना ज़्यादा अल्टीमेटली साइज उतना छोटा, चार्ज जितना ज़्यादा अल्टीमेटली साइज उतना छोटा। तो जितना ज़्यादा चार्ज हो जाएगा साइज अपने आप छोटा होता जाएगा और हाइड्रेशन एनर्जी अपने आप ही बढ़ जाएगी। समझ में आता है दोनों? कोई दिक्कत तो नहीं? टेबल बनाएंगे हम लोग, टेबल में मतलब एक तरीका लिखेंगे लिखने का, है ना, मॉलिक्यूल्स का ऑर्डर लिखेंगे, तो इसी के जस्ट बाद में लिखेंगे आपको। देखूं तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका,
ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, हाइड्रेटेड आयन देती हूँ। हाइड्रेटेड आयन का मतलब क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, हाइड्रेटेड एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस, रुबीडियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस एक्वस। अब मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे अभी तो सब के प्लस आयन बढ़ रहे हैं, एएस कम हो जाएगी और एएस कम होगी तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं, अभी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं पूछ रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि एक्वस आयन का साइज क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी के बाद में बात करेंगे। एक्वस आयन का साइज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, सेम ऑर्डर फॉलो करेगा जैसे हमने फर्स्ट में लिखा है या इसका जस्ट उल्टा फॉलो करेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो सेम करेगा या जस्ट इसका उल्टा। उल्टा करेगा ना, देखो जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा उसके चारों तरफ लेयर फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, तो जिसका सबसे ज्यादा लेयर फॉर्मेशन होगा उसका साइज तो बढ़ेगा ना, हाइड्रेटेड आयन का साइज तो बढ़ जाएगा ना। तो अब साइज किसका सबसे बड़ा, फिर किसका, फिर इसका तो सबसे कम होगा। मैंने आपको क्या बोला, छोटे आयन को भीड़ में छुपाना ज्यादा आसान है, तो छोटा आयन जैसे बीच में आएगा उसके चारों तरफ बहुत सारे लेयर बन जाएंगे, तो अब हाइड्रेटेड आयन का साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा। दोनों कंसेप्ट अपोजिट है, ये सिर्फ आयन का साइज है तो ये वाला फॉलो करेगा, टॉप टू बॉटम वाला। फिर मैंने बोला हाइड्रेटेड आयन का साइज, अब इसके चारों तरफ क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, वाटर मॉलिक्यूल, तो जिसके जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसके चारों तरफ मैक्सिमम लेयर्स होंगे। अब मैक्सिमम लेयर्स होंगे तो देखो इसका साइज भी तो बड़ा हो जाएगा ना, मैक्सिमम है ना, और अब देखो इसको देखो क्या इसका साइज इतना बड़ा हो पाएगा, नहीं। तो अब कंपैरिजन में कौन बड़ा दिख रहा है, ये, और वो कैसा दिख रहा है, छोटा, तो देखो क्राइटेरिया पूरा उल्टा होगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी का, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी सबसे ज्यादा होगी फिर इसकी होगी, तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, आई थिंक सेम रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी का, सेम कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ये चीजें याद रखनी आपको, बस इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाइड्रेशन एनर्जी पूछी जाएगी तो या तो वो आपसे पूछेगा कि भी कोई भी मेटल दे देगा या डिफरेंट ऑफ मेटल्स दे देगा, तो उसमें चार्ज भी डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है उसके चार्ज डिफरेंट हो सकता है उनके साइज डिफरेंट हो, उन दोनों पर बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। जनरली जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरी एक ग्रुप से पूछा जाता है, वो आपको बोल देगा कि ये पूरे ग्रुप के मेटल्स हैं, आप इनका जो हाइड्रेटेड उसको बोलेगा कि इनका जो जनरल साइज है वो ऐसा है आयन का, आपको बताना है कि जब मैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दूंगी या फिर मैं इसको पानी में डिजॉल्व करती हूँ तो इसका जो एक्वस साइज होगा वो क्या हो जाएगा, समझ में आता है, उसका जो हाइड्रेटेड आयन का साइज होगा वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, समझ में आता है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी उसका क्राइटेरिया या ऑर्डर क्या होगा, इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, समझ में आता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि लैटिस एनर्जी से और हाइड्रेशन एनर्जी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको कल या मंडे को, कल तो संडे है, मंडे को आपको इसके एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जिससे आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकें, यहाँ पर अवेलेबल होगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन शीट बनाकर दे दूँगी 10 से 12 क्वेश्चन की जिसमें हाइड्रेशन के क्वेश्चन होंगे और लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन होंगे, समझ में आता है, कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, टाइम हो गया, इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, मैं तो पढ़ाई नहीं होती उससे पहले तो टाइम ही खत्म हो जाता है। चलिए कंक्लूजन्स की बात करेंगे, कंक्लूजन्स लिखेंगे हम लोग, अब लैटिस एनर्जी को और हाइड्रेशन एनर्जी को सॉल्वेशन एनर्जी को कंक्लूड करते हैं, जो हमने तीन चीज़ें पढ़ी है ना, सॉल्वेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, कंक्लूड करते हैं, तो लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ कंक्लूजन्स, ताकि आपको याद रहे, कंक्लूजन लिखेंगे हम लोग। देखो कंक्लूजन में आप लिखेंगे जो लैटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी की, इसके सॉल्युबिलिटी की या सॉल्वेशन टेंडेंसी की, ठीक है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी की।
आप चाहें तो इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, ऐसे लिख लो सॉल्युबिलिटी एक तरफ लिख लो और लेटिस एनर्जी और इसको इधर उधर ले जाओ। तो देखो सॉल्युबिलिटी जो होगी टी जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेटिस एनर्जी के, है ना। और जो सॉल्युबिलिटी होगी इसको याद रखो ज़्यादा अच्छा होगा, सॉल्युबिलिटी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रेशन एनर्जी, ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि इसमें क्या होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे। देखो अगर किसी भी कंपाउंड की हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, कंक्लूजन ही लिख रहे हैं हम लोग, ये पहला कंक्लूजन था हमारा, ये सेकंड कंक्लूजन है हमारा कि अगर किसी भी कंपाउंड की आयनिक कंपाउंड की अगर हाइड्रेशन एनर्जी क्या है कम है और लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ये लैटिस एनर्जी तो उसकी ज़्यादा रिलीज हो रही है, जब लैटिस बनता है तब तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है और जब मैं उसे वाटर में डिजॉल्व करती हूँ तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है कम आ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या आ रही है कम आ रही है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं जो आयनिक कंपाउंड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। आयनिक कंपाउंड जो होगा वो क्या हो जाएगा इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। फिर वो होता है कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से तो आयनिक कंपाउंड जो होगा वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, ये कंक्लूजन है। और अगर मैं बोलती हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल हो जाए लैटिस एनर्जी के, हाइड्रेशन एनर्जी किसके लैटिस एनर्जी के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा, आयनिक कंपाउंड क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, अंडरस्टैंड, इक्वल हो जाएगा इधर और इधर दोनों बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा सेकंड कंक्लूजन था। एक और चीज़ लिखेंगे इसमें, दो पॉइंट और लिखते हैं फिर आपका चैप्टर खत्म है, ये वो चैप्टर के लिए आयनिक कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड थे वो खत्म हो गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट हम मंडे से पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट लिख लो इसी के अंदर, द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, इसके बाहर ब्रैकेट में लगाकर दिखना, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अपन इसे, आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसी चैप्टर इसी के आगे के चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। ऐसे कहते हैं कि अगर मैं किसी ऐसे कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करूं जिसमें कोई भी एक आयन कॉमन आ जाए, ठीक है, जैसे होता तो नहीं है ये वाला एग्जांपल, तो मैं आपको ऐसा समझाने के लिए बता रही हूँ कि मैंने NaCl को HCl में डिसॉल्व किया, इसमें डिसॉल्व किया NaCl को HCl में डिसॉल्व किया, HCl एक पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर देखो कि Cl और Cl क्या आ गया कॉमन, तो जैसे ही कॉमन आयन आ जाएगा क्या आ जाएगा कॉमन आयन आएगा, सॉल्युबिलिटी जो होगी वो अपने आप ही क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इसको कैलकुलेट भी करते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, तो वो जब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि वो फिजिकल का पार्ट है, पूरी कैलकुलेशन से निकलता है, पूरा फॉर्मूला होता है उससे निकलता ही है, ठीक है, तो वो तभी पढ़ाएंगे। तो ये एक तरीका होता है कि कॉमन आयन इफेक्ट की कंक्लूजन है। दूसरा लिखेंगे आप लोग आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड लिखो, फोर्थ पॉइंट होगा शायद इसका, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर
लाइक वाटर ड्यू टू हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है देखो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आप कहाँ पढ़ेंगे ये भी एक तरीके से फिजिक्स का ही पार्ट होता है ना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म है जिसके अंदर हम लोग ये पता लगाते हैं कि कोई भी सॉल्वेंट कितने कंपाउंड जो भी कंपाउंड है उसको कितना सॉल्व डिजोल्व कर सकता है ना ये एक क्राइटेरिया जैसे हम बोलते हैं ना वजन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में किलोग्राम्स हैं ग्राम्स हैं मिलीग्राम्स हैं है ना और लिक्विड को ना वजन करने के लिए हमारे पास में लीटर है ml है उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी होती है जिस सॉल्वेंट्स की उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक और टर्म है दिस इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक है वो जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वाटर का सबसे ज़्यादा होता है उसके बाद में सॉल्यूशन और जो अदर फर्दर जो हमारे लिक्विड्स हैं ना सॉल्वेंट हैं जो बिहेव करते हैं जैसे बेंजीन है कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये सारे हमारे क्या हैं सॉल्वेंट ही तो है जो लिक्विड होगा वो ऐसे सॉल्वेंट बिहेव कर सकता है ठीक है ना तो उनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर से नीचे ही आते हैं वाटर का सबसे ज़्यादा है इसलिए हम उसको यूनिवर्सल क्या बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स घुल जाते हैं समझ में आता है तो क्यों घुलते हैं किसी भी सॉल्युबिलिटी क्यों होती है क्योंकि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है तो किसी भी सॉल्वेंट का एक टर्म होती है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आप पढ़ेंगे फिजिक्स में ठीक है नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेंडेंसी होती है किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ठीक है चलिए थैंक यू Thank you.